गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नवीं कक्षा का प्रमेय 10.6 करेंगे। इस प्रमेय को हम पहले पढ़ लेते हैं। एक व्रत की या सर्वांगसम व्रतों की बरोबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। तो यहाँ पर एक व्रत बना हुआ है, उसकी बरोबर जीवाएं, यहाँ हमने दो जीवाएं बरोबर बनाई हुई हैं, पी क्यू और आर एस। ये केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, अर्थात जितना इसकी पहले वाले की दूरी है उतना ही दूसरी जीवा की दूरी है, ठीक है ना। तो ऐसा हमको सिद्ध करना है। अच्छा, हमको जो दिया हुआ है उसको हमने नोट कर लिया। एक व्रत जिसका केंद्र ओ है तथा ये दो जीवाएं बरोबर है लंबाई में, अर्थात पी क्यू बरोबर जो है वो आर एस के है, ठीक है ना। अच्छा, रचना हमने क्या किया, ओ से हमने एक लंब गिराया है जो एल बिंदु पर मिलता है। तो ओ एल लंब है पी क्यू पर और ओ एम लंब है आर एस पर, ठीक है ना। सिद्ध करना है हमको ओ एल वो ओ एम के बराबर है, अर्थात दोनों जो जीवाएं हैं वो समान दूरी पर स्थित है केंद्र से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज ले रहे हैं ओ एल क्यू और ओ एम एस, ये दोनों त्रिभुज लिए हमने। इसमें ओ क्यू बरोबर ओ एस है, एक ही व्रत की जीवाएं हैं, और ये क्यू एल क्यू बरोबर एम एस, क्योंकि दोनों जीवाओं की लंबाई बरोबर है, अतः इनसे केंद्र से लंब जो बनाते हैं उससे ये समद्विभाजित हो जाती हैं, दो बरोबर भागों में बांटी जाती हैं। तो इतनी ये आधी है पूरी पी क्यू की, और आर एस जो है वो पी क्यू के बरोबर है, तो आर एस का आधा जो एम एस होगा ये भी लंब है, तो लंब से ये दो बरोबर भागों में विभाजित होती हैं, तो जो एम एस होगा वो इसके बरोबर होगा एल क्यू के, एल क्यू बरोबर एम एस। ये प्रमेय हमने 10.3 में पढ़ा था। और कोण जो है ओ एल क्यू बरोबर ओ एम एस बरोबर 90 डिग्री, क्योंकि ओ एल लंब है पी क्यू पर और ओ एम लंब है आर एस पर, ठीक है ना। अतः ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ओ एल क्यू बरोबर है ओ एम एस, है ना। ये कोण जो है 90 डिग्री का है, प्रत्येक ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम होंगे। इसके लिए ओ एल क्यू सर्वांगसम है ओ एम एस, इसमें प्रयोग किया है हमने 90 डिग्री का कोण, राइट हाइपोटेन्यूज साइड आर एच एस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, अतः इनके बाकी के भाग भी जो है वो बरोबर होंगे, ओ एल बरोबर ओ एम होगा। ये प्रमेय यहाँ पर सिद्ध होता है। इसी तरह प्रमेय 10.7 भी है, एक वृत्त के केंद्र से समदूर स्थित जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। ये इसका विलोम है, अगर दो जीवाएं हैं और ये आपस में बरोबर दूरी पर स्थित हैं केंद्र से, मतलब ये बरोबर ऐसा दिया हुआ है, तो हमको सिद्ध करना है कि जीवाओं की लंबाई बरोबर है। तो इसमें भी हम इसी तरह की रचना करेंगे। यहाँ पर जो है ये लंबाई है वो दिया गया है, ये लंब है, उसमें हमको सिद्ध करना है कि ये एल क्यू जो है वो एम एस के बरोबर है। तो दिया हुआ क्या क्या होगा, ये हमने रचना किया 90 डिग्री के कोण तक, ओ से लेके एम तक लंब बनाया, ओ से लेके एल तक लंब बनाया, ये आपस में बरोबर है, 90 डिग्री का कोण बरोबर है और ये बरोबर है। तो इसमें भी आर एच एस से ये राइट हाइपोटेन्यूज और साइड से ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम होंगे, अतः इनके बाकी के भाग बरोबर होंगे, अतः एल क्यू बरोबर एम एस होगा। परंतु ये लंब है तो यह इस पूरी जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, अगर आधी आधी बराबर है तो पूरी भी बराबर होगी, वो उनकी डबल। अतः हम कह सकते हैं कि एक व्रत के केंद्र से समदूर स्थित जीवाएं लंबाई में बराबर होती हैं। तो यह हुआ 10.7 प्रमेय। इसकी उत्पत्ति यहाँ सिद्ध किया हुआ नहीं है किताब में, पर हम ऐसे ही चित्र बना करके और ऐसे लिख के और सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों प्रमेय पूरे होते हैं। इसके बाद है प्रश्नावली 10.4, हम उसको करेंगे। ओके, थैंक यू।